चलिए आज हम बनाते हैं। घर में एक वेस्ट पड़ा हुआ टी टेबल है, इसे हम आज एक केज बनाएंगे, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। इसकी लंबाई 31 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 17 इंची है। हाइट भी लमसम उतना ही है। ये मैंने नेट ख़रीदा है जो कि 3 फीट चौड़ा और 4 फीट हाइट में है। अब इसकी मैं 2 बराबर हिस्सों में यानी 18 इंची में इसको कटिंग कर लूँगा और उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। इसकी टोटल लंबाई 36 इंच है, जिसको मैं हाफ कट करूँगा 18 इंची पे, क्योंकि मेरे जो केज का साइज है हाइट में वो लगभग 17 इंची का है, जिसे मैं 2 भाग में कट करके नेट को लगाऊंगा। आप अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप नाप करके ही नेट को कट करें। ये अब आगे इसको पूरा कटिंग करके दिखाते हैं। ये दो साइड का दो छोटा छोटा पीस कटिंग कर लिए हैं, जो इस साइड पे और उसके ऑपोजिट साइड में लगेंगे। चलिए अब इसको हम लगा कर दिखाते हैं। चलिए अब हम आपको एक साइड में लगा कर दिखाते हैं, उसके बाद हम इसी तरह से दूसरी साइड भी करेंगे, उसके बाद हम आपको साइड का पैनल का फिटिंग दिखाएंगे। चलिए पहले एक साइड का दिखाते हैं। इस तरह से तार की सहायता से आप इसे कस सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी लगाएंगे और तार से उसे कस देंगे। तो हमारा केज बनकर तैयार हो गया है। देखिए ये इस तरह से बना है। ये इसका गेट, इसमें भी हुक लगाने का काम बाकी है। इसको कंप्लीट करके के बाद इसमें हम बर्ड को रिलीज़ करेंगे। इसे मैंने एक हांडी भी लगा दिया है और एक बैठने के लिए डंडा, नीचे पेपर डाल दिए हैं ताकि सारा वेस्ट इसी में गिरे। अब इसमें हम बर्ड को रिलीज़ करेंगे और देखेंगे कि बर्ड इसमें किस तरह से रहते हैं। इसमें से एक मेल और एक फीमेल को हम दूसरे केज में शिफ्ट करेंगे। ये एक मेल, इसे हम अपर केज में छोड़ेंगे। अब ये एक पेयर मेल और फीमेल को इस केज में हमने शिफ्ट कर दिए। ये दोनों ने पेयर बना लिया।
हूँ।